काबिल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, कुरान पाक में चौदह सजदे हैं। कुरान पाक के अंदर चौदह आयतें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करे या उसको सुने तो उसके लिए बेहतर है कि फौरन वो सजदा कर ले। अगर आमतौर पर ये होता है कि जब तिलावत की जाती है तो सजदे को ताखीर कर दिया जाता है कि पहले तिलावत कर लेंगे बाद में सजदा कर लेंगे। नमाज में तो इसकी ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती जैसा कि आज तरावी की आखिरी रकात में सजदे की आयत पढ़ी और सीधे सजदे में चले गए, लेकिन जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उस मौके पर सबसे अफजल ये है कि जैसे ही आयत सजदा पढ़ें रुक कर सजदा कर लें अगर मकरूह वक्त ना हो। ताखीर करना मकरूह है और सजदे की आयत पर सजदा न करना ये गुनाह है, इसलिए कि ये वाजिब है, सजदे तिलावत वाजिब है। और इसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अमल आप अलैहि सलातु वस्सलाम सूरज ग्रहण के मौके पर दो रकात नमाज अदा करते थे और जो आपकी वो नमाज थी वो बहुत लंबी हुआ करती थी। सन 9 हिजरी में हजरत इब्राहिम जो आपके साहबजादे थे उनका इंतकाल हुआ और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिस दिन इंतकाल हुआ अगले दिन सूरज ग्रहण था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई और वो नमाज ऐसी कैफियत के साथ कि नमाज तो लंबी थी लेकिन उस नमाज में कभी आप आगे हो जाते कभी पीछे होते। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि नमाज के दौरान कभी आगे कभी हाथ उठा रहे हैं इस तरह, कभी आप पीछे आ रहे हैं, तो फिर आप मुसल्ले पर आए और आकर आपने बकिया नमाज अदा की सलाम की। तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बड़ी अजीब चीज़ आज नमाज में देखी कि आप नमाज में तो चला नहीं करते लेकिन के नमाज में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं नमाज में था तो अल्लाह ने मुझ पर जन्नत और जहन्नम को खोल दिया, जन्नत के मनाजिर मेरे सामने आए तो मैं आगे बढ़ा, तो अंगूर का खोशा मेरे सामने आया, मेरा जी चाहा कि मैं उसको ले लूं, लेकिन ये चीज अल्लाह ने गैब में रखी है इसको गैब में ही रखने दिया। फिर जहन्नम की चीजें जहन्नम के हालात मेरे सामने खोले गए तो उसको देखकर मैं पीछे हटा, ये आपने बताया। फिर आपने दुआ मांगी। सहाबी कहते हैं कि सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं कब्र के अज़ाब से हिफाजत मांगता हूँ। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज के बाद दुआ जो मांगी कि अज़ाब क़ब्र से, इसमें क्या जोड़ है, इसकी क्या रीज़न, इसकी क्या हिकमत है। फरमाया कि सूरज ग्रहण जब होता है बिल्कुल 12 बजे 11 बजे 3 बजे ऐन धूप के वक्त, जिस वक्त भी हो जब सूरज ग्रहण होता है तो उस वक्त माहौल ऐसा होता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। आपने गौर किया होगा, बिल्कुल सूरज ऐसा कि उसमें एक पीलापन पड़ गया है और गुरूब के आसार नजर आ रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कैफियत को देखकर कब्र को याद किए। सोचने की बात है, जलजला आता है तो हम फौरन न्यूज खोल के देखते हैं कि कहां आया कितना आया, इस चीज को हम उस किस पर मुंतबिक नहीं करते। हुजूर क्यों इस कब्र क्यों याद आ रही है,
हदीस में आता है कि जब मुसलमान का इंतकाल होता है, उसको कब्र में जब दफन किया जाता है, किसी भी वक्त हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी, उस पर जो वक्त पेश किया जाता है वो वक्त असर के बाद का वक्त है। ऐसा वक्त के फरिश्ता आकर कहता है, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? वो देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है, कहेगा थोड़ी देर ठहरो, चार रकात मसर पढ़ लो, मेरी कजा ना हो जाए, फिर मैं तुम्हारे जवाब दूंगा। फरिश्ता कहता है, तुम उस दुनिया में नहीं हो, तुम तो कब्र और बरजख के आलम में हो, यहाँ कोई नमाज नहीं है। तो वो वक्त वहां पे पेश, उस वक्त को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अजाब को देखा, याद आ, फौरन आपने दुआ मांगी। तो आपके एक एक अमल में, एक एक सुन्नत में, एक एक अदा में हिकमत हुआ करती है कि फलां के बाद क्यों आपने ये दुआ मांगी, इफ्तारी के वक्त ये क्यों दुआ मांगी, हम तसव्वुर नहीं करते। तो बहर के 14 मकामात हैं कुरान पाक के अंदर सजदे के। यहां पर सजदा क्यों किया जाता है, एक सवाल है, क्योंकि हम सब कुरान पाक पढ़ते हैं और खास तौर पर रमजान में एक जज्बा होता है और ये आयतें गुजरती रहती हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि जितनी 14 आयतें हैं जो सजदे की, इसमें तीन किस्म के मजामीन हैं। सबसे पहला मजमून, जिन आयतों में सजदा है उसमें सबसे पहला मजमून यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों को, कुरान पढ़ने वालों को हुक्म दे रहे हैं कि तुम सजदा करो। उस हुक्म की तामील में सजदा करते हैं। जैसे आखिरी सजदा कहाँ है, सूरत अलक इकरा में है। आप उसका तर्जमा देखें, सजदा करो, रब के करीब हो जाओ, ये हुक्म है सजदा करो। तो फौरन ईमान वाला क्या करता है, सजदा में, सजदे में चला जाता है। एक मजमून, बाज आयतें ऐसी हैं जिसमें ये मजमून है, आप उसका तर्जमा देखें कि सजदा करो, इस तरह हुक्म है। और बाज आयतें ऐसी हैं जिसके अंदर मजमून ये है कि अल्लाह के कुछ बंदे पिछले जमाने में, अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते हो, इंसान हो, जिन्नात हो, पहाड़ हो, दरख्त हो, सब कुछ, उनके सामने जब अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, उसकी किबरियाई जब आती थी तो उनका दिल इतना मुतासिर होता था कि फौरन वो सजदे में चले जाते थे। क्या आपने नहीं देखा, यस्जुदु लहू मन फिस समावात व मन फिल अर्द व शम्स व कमर, क्या आपने नहीं देखा कि ये सब चीजें अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। तो ईमान वाला जब ये पढ़ता है, फला उक्सिमु बिश्शफक वल्लैल वमा वसक वल्कमर इज़ा तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक, उसके बाद सजदे की आयत है। कि क्या निजाम अल्लाह ने बनाया, ये जब बंदा पढ़ता है तो उसके दिल पर अल्लाह की अजमत ऐसे खुलती है, फौरन वो सजदे में चला जाता है। ये दो बात। तीसरी बात, गुज़श्ता अल्लाह के किसी नेक बंदे ने, कोई एक अल्लाह के बंदे, उनसे कोई गलती हुई, उनसे कोई भूल हुई, तो फौरन वो क्या किए, सजदे में चले गए, अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको माफ कर दिया। तो लिहाजा हमें हुक्म है, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहुम मुहतदी, ये लोग नेक हैं, इनके पीछे चलो, इनसे गलतियां हुई तो ये सजदे में चले गए, लिहाजा तुम भी उनकी इत्तेबा करो। तो लिहाजा तीन मजमून सजदे की आयतों में हैं। एक मजमून हुक्म होता है ईमान वाले को, कुरान पढ़ने वाले को, सजदा करो। दूसरा मजमून कि अल्लाह की अजमत उन आयतों में ऐसी होती है कि दिल मुतासिर होकर झुक जाता है अल्लाह के सामने, उसकी एक अलामत के अपनी इज्जतदार चीज जो पेशानी है, पैर जहां रखते हैं जमीन पर, वो अपना माथा टेक कर कहता है, अल्लाह वाकई तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू बड़ा है, इंतहा दर्जे की जिल्लत इख्तियार करता है अल्लाह के सामने। और तीसरा सजदा, उसको सजदे तौबा भी कहते हैं, सजदे तौबा। ये सजदे तौबा ये किसने किया और ये हुआ क्यों? हदीस की किताबों में बड़ा इन्हें अजीब वाकया है, अगर इस वाकये को हम सुने तो दिल हमारा लरज जाए। मुस्तदरक एक किताब है हदीस की और बिल्कुल सही सनदों के साथ ये वाकया हदीस की किताब में, कि एक पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, अल्लाह ने उनको नबुवत भी दी थी, बादशाहत भी दी थी,
जबरदस्त नबूवत और बादशाहत भी जबरदस्त अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई थी, उनसे एक गलती एक लग़ज़िश उनसे सादिर हो गई और अल्लाह के दरबार में सजदे में चले गए। वो क्या हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दरबार में जो है मजलिस और मजलिस लगाया करते थे और बैठकर आपस में बातचीत हुआ करती थी। एक मरतबा सब बैठे हुए हैं, टॉपिक ये थी कि कौन कितना अल्लाह की इबादत करता है, इस पे बात करें कौन कितना अल्लाह की इबादत। ये ठीक है, तनाफुस है। बाज लोग समझते हैं कि इबादत तो मेरा और अल्लाह का मामला है, क्यों मैं डिस्कस करूं। नहीं, अपनों में डिस्कस करना, घर के, जैसे रमजान का सीजन है कि इसमें घर के अंदर तनाफुस हो कि आप कितना कुरान पढ़ रहे हैं, आज मैं इतना पढ़ा, आज मैं इतना पढ़ा। وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, जन्नत वाले आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए। तो इस उन्वान पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई तुम कितनी इबादत करते हो। हर एक ने अपनी इबादतें बताई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दो बातें कही, देखो मेरी तरतीब यह है कि मैं एक दिन लोगों के मामलात और उनके जो है कजाया, उनके मामलात, उनके मसाइल प्रॉब्लम ये हल करता हूं, और एक दिन मैं खूब अल्लाह की इबादत करता हूं, और तीसरे दिन मैं अपने घर वालों के काम काज क्या जरूरतें हैं वो देखता हूं। ये तीन दिन, पहले दिन उम्मत के लिए, दूसरे दिन इबादत के लिए अपना खुद इबादत, और तीसरे दिन अपने घर वालों की जरूरत के लिए। इस तरह तरतीब। दूसरी तरतीब मैंने ये बनाई है कि मैंने घर के अंदर 24 घंटे का ऐसा निजाम बनाया है कि मेरे घर का कोई लम्हा ऐसा नहीं कि इबादत से खाली हो। सुभान अल्लाह, कैसा घर देखो, मेरे घर का मैंने ऐसा सेटअप किया है कोई ना कोई 24 घंटे के अंदर इबादत में रहता है। क्या मेरी तरतीब है, क्या मेरी, ये होना भी चाहिए घर के अंदर, कुछ ना कुछ हो घर के अंदर। एक कमरा, अल्लाह अगर किसी को बड़ा घर दे, वसी घर हो, तो एक कमरा इबादत के लिए बनाया जाए, उस कमरे का नाम मेहराब है। ये जो मेहराब है ना, ये मस्जिदों में पहले हुआ नहीं करता था, घर के अंदर एक कमरा हुआ करता है, उस कमरे में इबादत, नमाज, तिलावत, जिक्र, उस कमरे को मेहराब कहते थे। सूरह आल इमरान में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा उठाएं, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, वो तो घर में थे, घर का वो कमरा था जहां बैठकर वो इबादत किया करते थे। इसीलिए एक ताबेई थे, उनका इंतकाल होने लगा, इंतकाल से पहले अपने बेटे को बुलाया, बुलाया, बेटा देख वो जो मेहराब है ना, वो कमरा, वहां गुनाह ना करना, मैंने 12,000 कुरान उसमें खत्म किए हैं। इस तरह घर के अंदर अल्लाह अगर वसात दिए हैं, एक जगह देखकर याद आए ये नमाज की जगह है, ये कुरान की तिलावत की जगह है, ये तालीम की जगह है, मेहराब। इसीलिए अरब मेहराब, अरबी में उसी मेहराब के, अरब मेहराब अरबी में माना क्या है मेहराब का, लड़ने की जगह, हर्ब के माने हैं फाइट। मेहराब ये वो जगह है जहां लड़ा जाता है। अब आप सोचेंगे वाकई दुनिया में तो सबसे ज्यादा यहीं से लड़ाई हो रही है। नहीं नहीं, वो लड़ाई नहीं है जो आज हो रही है। मेहराब के माने लड़ना, इबादत के लिए अपने नफ्स से लड़ना, इबादत के लिए शैतान से लड़ना। वो रुकावटें और रोड़े डालता है तो उससे लड़कर खड़े होकर इबादत करने की जगह को मेहराब कहते हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने एक ऐसा 24 घंटे का निजाम बनाया जिसमें कोई, और जबान से क्या निकला, मेरी तरतीब, मेरी हुस्न तरतीब क्या बेहतर है, ये जुमला निकल गया। फौरन वही आई, ए दाऊद ये जो सेटअप तुमने जो किया है, ये जो निजाम तुम्हारा चल रहा है, ये हमारी तौफीक से है। हम अपनी तौफीक अगर तुमसे हटा लें एक लम्हे के लिए, तुमको तुम्हारी जात के हवाले कर दें, कहां जाएगी तुम्हारी तरतीब। आदमी कहता ना, मेरी तरतीब ये है, मेरी तरतीब ये है, मेरी सालाना की, मेरी रोजाना की। आदमी जरा सीना तान कर, कितना बड़ा सबक है इस वाकये के अंदर, हुस्न तरतीब, यानी ये इसको अल्लाह की तौफीक समझना है कि रमजान में एक तरतीब कुरान की, मस्जिद की खिदमत की,
वाकई अल्लाह ने तौफीक की चादर पहनाई जिसकी वजह से मैं मस्जिद की खिदमत पे लगा हूं, जिसकी वजह से मैं अमल कर रहा हूं। अल्लाह ये हटा ले फिर दोस्तों फिर कहीं के नहीं रहेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहला जुमला क्या कहा, फौरन कहने लगे ये मेरी तरतीब, फिर कहने लगे अल्लाह ताला ने वही भेजी, दाऊद ये मेरी तौफीक है, इसको हटाऊं और एक लम्हे के लिए तुझे तेरे हवाले कर दूं, फिर कहां जाएगी तेरी तरतीब। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ अल्लाह अगर ऐसा हो मेरे घर के अंदर ये सिस्टम फेल हो जाए, ये सिस्टम अगर मेरे घर के अंदर फेल हो जाए, जरा मुझे खबर करना कि किसने फेल किया, कौन है वो शख्स मेरे घर का जिसने इस निजाम को हिलाया है, जरा मुझे इसकी इत्तला देना। अल्लाह को ये बात बड़ों देखे ना, हसनातुल अबरार सैयातुल मुकर्रबीन, बड़ों का मकाम ही कुछ और होता है, उनकी छोटी भी बड़ी होती है। हाँ अल्लाह ने तरबियत का निजाम, देखिए कभी आदमी बड़ा बोलना बोले, जहां बोला इब्तिला आजमाइश। अब अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया, अच्छा चलो भाई अब इनको जरा हम इम्तिहान ले। घर वाले सब सो रहे हैं, हजरत की इबादत का दिन और हजरत की इबादत का लम्हा चल रहा है, दो आदमी जबरदस्त झगड़ा करके हजरत से फैसले के लिए आए, सिक्योरिटी ने रोक लिया, आज इबादत का दिन है, इबादत में हजरत मसरूफ है, कल आओ। वो दोनों चले गए और दीवार फलांकर सीधे मेहराब में आ गए और सलाम करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बात करने का मौका भी नहीं दिया और शुरू हो गए अपना झगड़ा। झगड़ा भी इतना बेकार था, सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। वो झगड़ा क्या था, झगड़ रहे दोनों, कहने लगे हजरत हम दोनों भाई हैं, हम दोनों लड़ रहे हैं, इधर आप फैसला करें। क्या फैसला भाई, फैसला ये है कि मेरे पास 99 बकरियां हैं और इसके पास एक बकरी है, मैं इससे कह रहा हूं कोई एक दे दे ताकि सेंचुरी हो जाए, 100 हो जाए। ये बानी नहीं रहा मेरी बात, मेरे पास 99 इसके पास एक, दे दे तो सही ताकि मेरे 100 हो जाए। हजरत दाऊद ने सोचे तो सही, बादशाह हैं, नबी भी हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा क्या फैसला सुनाऊं, इतना नसीहत करता हूं। قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وان كثيرا من الخلطاء سوره صاد میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے اتنا کہوں گا کہ جو تو اس سے مطالبہ کر رہا ہے نا ایک بکری کا، یہ تو ناانصافی کی بات کر رہا ہے، یہ صحیح بات نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا حق ہے ایک بکری، اللہ نے تجھے 99 دیے ہیں۔ اچھا یہی فیصلہ ہے آپ کا؟ ہاں یہی فیصلہ ہے۔ تو وہ دونوں کیا کہنے لگے، इसने तो अपने नफ्स के खिलाफ फैसला कर लिया, ये बोल के गायब हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम परेशान, क्या बोल के गए, इतना मेरा वक्त बर्बाद करे, टाइम जाया करे और ये क्या कह के चले गए। दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन एहसास हुआ अरे ये तो मेरी इबादत का वक्त था, ये तो मेरी तरतीब का वक्त था, इस मौके पर मैंने कहां क्या अमल कर दिया। फौरन उनको ये बात याद आई, मेरी तरतीब और मेरे घर में कोई अगर इस तरह निजाम अगर फेल करे तो जरा मुझे बताना। फौरन सजदे में चले गए, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने बोला ये अल्लाह मुझसे गलती। अल्लाह ताला ने कहा देखा ऐ दाऊद जब हम अपनी तौफीक को हटाते हैं किसी पर से तो कैसे वो अपने अमल से हटता है। इसीलिए दोस्तों डरने की बात है, कभी आदमी ये ना सब, इसीलिए कभी ना अपने इल्म पर, ना अपनी अकल पर, ना अपनी सलाहियत पर एतमाद, ये शैतानी निजाम है। मेरे पास इल्म है, मेरे पास सलाहियत है, मेरी फहम पर एतमाद करते हुए नहीं नहीं, हमें तो ये सिखाया मुझे तो अल्लाह से रहबरी लेना है। वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तरदा, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे दीजिए। उस सुलेमान अलैहिस्सलाम बंदगी के साथ कह रहे रब्बी मेरे अल्लाह औज़िनी, मुझे तौफीक दीजिए ऐ अल्लाह। किस बात की तौफीक, अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, मैं शुक्र करूं कि जो एहसान तूने मुझ पर किया, मेरे मां-बाप पर किया, और ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं जिंदगी भर नेक काम करता चलूं। तौफीक मांग रहे, कौन मांग रहे, नबी अलैहिस्सलाम तौफीक मांग रहे। इसीलिए दोस्तों कभी आदमी कोई काम कर रहा है, औरतों में करे, मर्दों में करे, घर में करे, दुनिया में कहीं भी कोई नेक काम करे, ज़हन में मुस्तहज़र ये बात हो ये अल्लाह की तौफीक मुझ पर शामिल हाल है। जब तौफीक हटती है हजारों वसाइल के बावजूद
इंसान नेकी के रास्ते पे चल नहीं सकता। ये जब आएगा ना तो फिर इंसान बंदा बनकर चलेगा, तवाज़ो के साथ चलेगा। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं जिसमें आपके पैरों पे वर्म आता था, अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे राह रास पर रहूं, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं सीधे रास्ते पर रहूं। क्या वजह थी? सोचा कोई बयान आपका इस जुमले से बगैर शुरू नहीं होता था, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मैं युदलिल, बोलते नहीं बोलते, मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ला व मैं युदलिलहु फला हादियला। ये उलमा का ये जुमला नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे बयान से पहले ये जुमला पढ़ते थे। क्या वजह? कि ऐ अल्लाह तेरी तौफीक मेरे साथ होगी तो मैं रास्ते से नहीं हट पाऊंगा, अगर तेरी तौफीक हट गई तो पूरी दुनिया मुल्क राह रास पर। कौन कह रहे हैं? सोचने की बात। इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अल्लाह की तौफीक सबसे बड़ी नेमत है। जब भी कोई काम, एक डॉलर भी हम दे रहे हैं, ये समझें कि मैं अल्लाह की तौफीक से दे रहा हूं। ये तौफीक हटती है ना, लाखों डॉलर रहते हुए एक डॉलर नहीं निकलेगा खैर के रास्ते पर। तौफीक वो कहते हैं ना, क्या है शेर, जानता हूं सवाब ताअते ज़ुहद पर तबीयत नहीं लगती, जानता हूं मैं नमाज का सवाब, तिलावत का सवाब, जिक्र का सवाब, लेकिन क्या करूं अंदर से तबीयत नहीं लगती। वो तबीयत नहीं लगना मतलब अल्लाह ने तौफीक की चादर हटा दी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको हमेशा तौफीक शामिल हाल फरमाए। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं उठाएं, उसमें आप इतना अल्लाह से बंदगी के साथ मांगते थे, ये हमें सिखा रहे हैं। देखो कभी अपने इल्म पर, अपने काम पर, अपने अमल पर नाज ना करना, एतमाद नहीं करना। इस पर अगर एतमाद आ जाए ना, फिर पता नहीं कौन कब किस रास्ते से कोई गुमराही आए और तुम्हें उछक के ले जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا الله اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ اپنی توفیق شامل حال فرما، اے اللہ رہبری فرما، نفس کے اور شیطان کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے کاموں میں اے اللہ خیر کے اے اللہ فیصلے فرما، گلچنوں کو پریشانیوں کو دور فرما، عافیت عطا فرما یا اللہ، عافیت عطا فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، جو کچھ ہمارے مسائل ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔